हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। एक कनाडा मूवी आ रही है जिसका नाम है हेड बुश, और उसके बारे में आप बोल रहे थे कि बताओ भाई कैसा है ट्रेलर, मुझे कैसा लगा। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बकायदा आपके साथ शेयर करते हैं अपना रिएक्शन, और बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से आपके साथ व्यू पॉइंट रखेंगे। देखो, पहले थोड़ा सा सेंटिमेंट हटा के ना, कभी भी कोई भी सिनेमा जब अच्छा कर रहा होता है और उसके जितने भी फैंस होते हैं वो हमेशा एक्साइटेड हो जाते हैं नई नई चीज़ों को देख के। और जिस तरीके से आज के डेट में कन्नड़ा सिनेमा कर रहा है, 777 चार्ली आया, KGF आया, और अभी कांतारा आया, तो उसके बाद तो जो स्पिरिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो क्या ये जो मूवी आई है हेड बुश, ये भी क्या उतनी ही बढ़िया दिख रही है? तो मैं बोलूंगा जो ट्रेलर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज्ड है, और 70s 80s का ज़माना लार्जली लग रहा है जब ये स्थित है, और आपको एक गैंगस्टर की कहानी सुनाई जा रही है, और वो गैंगस्टर किस तरीके से अपनी लाइफ को अप्रोच करता है वो दिखता है। काफ़ी स्लो मोशंस का यूज़ किया गया, और एक आइकॉनिक शॉट सा कुछ बनाने की कोशिश करी है, सिगरेट और वैसे उसके जो एशेज हैं उसको छटकता है, तो वो जो शॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको अपीलिंग लगेंगे। फॉर शॉट जिस तरीके से दिखाया गया है फाइट सिक्वेंसेज में, बहुत ज़्यादा स्लो मोशन होते हुए एक्शन है, जिस तरीके से बहुत ही थोड़ा सा ब्रूटल हो रहा है, जो नाई वाला जो होता है ना कट करने वाला ब्लेड वो भी यूज हुआ हुआ है, उसमें से खून के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, तो उसको काफी ब्रूटल बनाने की कोशिश करी गई है। और एट द सेम टाइम थोड़ा सा ह्यूमन साइड भी दिखाई गई है, अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम भी पास कर रहा है, गाना भी सुन रहा है, और फिर एट द सेम सटकेल भी हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी उसी तरीके से दिखाई गई है, दैट ही समबडी वाज गॉट अ गुड हार्ट अदरवाइज, बट किसी चीज़ों को लेकर वो बिलकता है धनंजय जो उसके मेन लीड है, और उस तरीके से ही इसका स्टोरी का प्रोग्रेशन होता है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि लगता है मैंने पहले भी देखी है, जैसे शूट आउट पर डाला हो, कहीं विवेक ओबरॉय का रोल होता था, कुछ मराठी मूवीज भी आई हैं, तो देखा दाखा सा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ कोई बहुत ज़्यादा फ्रेश कॉन्सेप्ट देखा है। और दूसरा, KGF ने हमारा थोड़ा सा दिमाग है ना वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस भी कर दिया है, कैसे स्लो मोशन को यूज़ करना है, कैसे जो हीरो है उसकी सिर्फ सिल्वेट दिखानी है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है, फिर रिवील करना है, और फिर उड़ते हुए बाल होंगे, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। ऑफकोर्स जो इंद्र का लुक एंड फील है या फिर यश का लुक एंड फील है उसको तो ये नहीं मैच कर पा रहे, बट फिर भी बुरा नहीं लग रहा है, ओके लगा मुझे ट्रेलर में। ये नहीं बोलूंगा कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, सब कुछ देखा देखा लग रहा है। जो पीरियड दिखाया गया है 1980s टाइप का, वो भी ठीक तरीके से कैप्चर किया गया है, चाहे वो स्कूटर्स हो, चाहे वो पीछे की बिल्डिंग्स, कोई कोई टॉल राइज ज्यादा नहीं दिखाई है, साथ साथ में फीयर्स वगैरह दिखाई गई है, तो वो ठीक ठाक तरीके से कैप्चर हुआ। अभी फिलहाल के लिए इसको थम्सअप देते हैं, क्योंकि अभी हमें स्टोरी का ज्यादा पता नहीं है। बाकी जब ये आएगी मूवी तो होपफुली स्टोरी पे ज्यादा फोकस होगा, ना कि बहुत ज्यादा स्टाइल के ऊपर, जैसे वो जो पट वाला जो शॉट है जिसमें वो ऐश को हिला रहा है और सिगरेट से गिरा रहा है, वो कम से कम 4 बार ही तो ट्रेलर के अंदर है, तो शायद मूवी के अंदर तो 25 बार होगा। लेट्स सी कितने किस इफेक्टिव तरीके से यूज किया गया, कई बार ओवर यूज से भी चीजें खराब होने को हो जाती है, बट अभी फिलहाल के लिए इट इज टू अर्ली टू से। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।